बारिश हो रही हो और गर्मा गर्म पकौड़े साथ में गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो पूरा दिन बन जाता है। मौसम थोड़ा क्लाउडी हो या फिर बारिश हो रही हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? पकौड़े, और उसमें भी प्याज के पकौड़े, करारे करारे क्रिस्पी पकौड़े। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्याज के पकौड़े की रेसिपी। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि प्याज के पकौड़े काफ़ी क्रिस्पी और करारे कैसे बनते हैं। एक दो टिप्स और ट्रिक्स मैंने शेयर किया है जिससे आपके पकौड़े भी एकदम बाजार जैसे, मार्केट जैसे बनने वाले हैं। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 6 से 8 प्याज लिया है और इसे लंबे स्लाइसेस में कट किया है। अब इस तरह से हाथों से रब करके इसे अलग कर लेंगे ताकि इसके अलग अलग लच्छे बन सके, कुछ इस तरीके से, ये देखिए। और ध्यान रखना है कि इसे बारीक कट करना है। बस इसके बाद अब इसमें डाल देंगे हम नमक और साथ ही डाल देंगे इसमें ढेर सारी हरी मिर्च और कटा हुआ बारीक अदरक। अब इन सारी चीज़ों को इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे और ध्यान देना है कि हल्का सा मसलते हुए ही इसे मिक्स करना है। नमक डालने का रीज़न ये था कि प्याज जो है वो पानी छोड़ेगा, अलग से हमें बेसन के साथ पानी ऐड नहीं करना है। इसी पानी से हम बेसन को कोट करेंगे जिससे हमारे पकौड़े हैं एकदम बाजार जैसे बनेंगे। इसे अब हम 10 मिनट के लिए एक साइड रख देंगे। 10 मिनट के बाद अब देखते हैं तो जो प्याज है वो थोड़ा वाटरी हो गया है, मतलब थोड़ा सा इसमें जो पानी अच्छे से इसने छोड़ दिया है। निचोड़ के दिखाती हूँ आपको, और ये देखिए अच्छा खासा पानी इसमें आ गया है। हमें अलग से पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है। यही एक ट्रिक है जिससे आपके पकौड़े काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे। यहाँ पे एक कटोरी जितना बेसन तो लिया है मैंने, लेकिन मैं इसमें आधा से थोड़ा सा ज़्यादा बेसन ऐड करूँगी और इतना बेसन एक साइड रख दूँगी। थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें हल्दी पाउडर, साथ ही डाल देंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, साथ ही इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, और साथ में डाल देंगे हम थोड़ा सा अजवाइन। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह पे जीरा डाल सकते हैं। थोड़ा सा डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर। इसमें डाल देंगे हम धनिया पत्ता, बारीक कट करके डालें, इससे फ्रेशनेस रहता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। बस अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। जो पकौड़े हम बाज़ार में खाते हैं वो क्रिस्पी और करारे इसलिए होते हैं कि जब वो बेसन ऐड करते हैं तो वो अलग से पानी नहीं ऐड करते हैं। ये देखिए उसी में मैंने इस बेसन को अच्छे से कोट कर लिया है, मैंने बिल्कुल भी थोड़ा सा भी पानी ऐड नहीं किया है। अगर आप अलग से पानी ऐड करेंगे तो वो क्रिस्पी नहीं होगा। इसे मैं इस तरह से बाइंड करके दिखाती हूँ तो ये अच्छे से बाइंड हो जा रहा है। बस प्याज के पकौड़े में ध्यान रखना है कि आपको बेसन कम क्वांटिटी में लेना है। तेल को गर्म किया, चेक करते हैं तो तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, तभी हमारे जो पकौड़े हैं वो काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे और करारे बनेंगे। बस अपने पसंद के साइज़ से इसे बड़ा या छोटा बना लीजिए और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करना है। यहाँ पर 2 मिनट तक आपको नहीं चलाना है। 2 मिनट के बाद इसे हम पलट देंगे, और ये देखिए अच्छे से ये सेट हो गया है। बस हमें इसे पलट देना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे हमें फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। अगर तेल अच्छे से गर्म नहीं है और आपने पकौड़े फ्राई करने शुरू कर दिए तो जो पकौड़े हैं वो क्रिस्पी तो बिल्कुल नहीं बनेंगे, उसके अंदर अच्छे से तेल चला जाएगा और वो काफ़ी चिपचिप होगा। इसलिए अच्छे से उसे तेल को गर्म करना है। ये देखिए पकौड़ों का कलर बहुत अच्छा आया है, एकदम गोल्डन ब्राउन हुए हैं, काफ़ी करारे हैं, क्रिस्पी हैं। और अब हम इसे फ्लेम को लो करके निकाल लेंगे, और ये देखिए करारे करारे क्रिस्पी बारिश के मौसम के पकौड़े तैयार हैं। अब इस तरह से इसे निकाल लेंगे स्पैचुला को, थोड़ी देर इस तरह से करने से जो एक्स्ट्रा तेल होता है वो निकल जाता है। बस दूसरा बैच भी इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। तो है ना बहुत ही आसान सा तरीका प्याज के पकौड़े बनाने का। हम सब बनाते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो उतने क्रिस्पी करारे नहीं बनते हैं। तो 2 से 3 बातों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। प्याज में पहले ही नमक मिला के 10 मिनट तक रख दीजिए, और उसी के पानी में आप बेसन को अच्छे से कोट करिए। बेसन की मात्रा को थोड़ा कम रखिए और तेल को मीडियम टू हाई फ्लेम पे पहले अच्छे से गर्म कर लीजिए और मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही फ्राई करिए। तो बस आपके पकौड़े काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे, काफ़ी करारे बनेंगे, आपको कोई शिकायत नहीं आएगी और सब लोग आपकी बहुत तारीफ करेंगे। मुंह में पानी आ रहा है, काफ़ी करारे पकौड़े बने हैं। और अब बस इसको चटनी के साथ खाइए और साथ में गर्मा गर्म चाय का आनंद लीजिए, बारिश के मौसम का आनंद लीजिए। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। स्टे फिट स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।